हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के मेरे पास में बार बार डाउट आ रहे हैं कि सर सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड थ्योरी थी उसका हमें ग्राफ नहीं समझ में आया। तो मैं आगे कंटिन्यू करने से पहले उस ग्राफ की एक बार दोबारा से बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम जो है अपना कॉन्सेंट्रेशन टोटल और टोटल उस ग्राफ के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ज़रा उस ग्राफ की हम बात करते हैं। देखिए, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो मेरे पास में ग्राफ किस किस के बीच में था। मेरे पास में ग्राफ था बिटवीन इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, यानी कि ये तो है मेरे पास में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग और एनर्जी। इधर है मेरे पास में, मान लीजिए एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है वाई एक्सिस पर। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ इस ग्राफ में, मैं इस ग्राफ में सिलिकन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ। ये है मेरे पास में सिलिकन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब देखिए, ये है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग और ये क्या है आपके पास में सिलिकन एटम के लिए एनर्जी कर्व, यहाँ वाई एक्सिस पर लेनी है। अब मुझे पता है जो भी इलेक्ट्रॉन मेरे 1s2 के अंदर होंगे वो मेरे लो एनर्जी लेवल पर होंगे, और जो 3p2 में होंगे वो मेरे कहाँ होंगे, हायर एनर्जी लेवल पर होंगे। तो चलिए ज़रा इन सारी चीज़ों को हम ट्रेस कर लेते हैं इस ग्राफ पे। देखिए, ये मेरा 1s2 एनर्जी लेवल है लो, ये मान लीजिए मेरा 2s2 एनर्जी लेवल है, ये मान लीजिए मेरा 2p6 एनर्जी लेवल है, ये मान लीजिए मेरा 3s2 एनर्जी लेवल है, और ये मान लीजिए मेरा क्या है 3p2 एनर्जी लेवल। मैं यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करूँ इन एनर्जी लेवल्स के ऊपर, तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन मेरे इस एनर्जी लेवल पर हैं, दो इलेक्ट्रॉन मेरे इस एनर्जी लेवल पर हैं, छः इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेरे वो इस एनर्जी लेवल पर हैं, दो इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पर हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पर हैं। अब ये जो मेरे पास में ग्राफ बना है, ये मेरा ग्राफ है आइसोलेटेड एटम के लिए। आइसोलेटेड एटम का मतलब है कि जब मेरे पास में एक सिंगल एटम प्रेजेंट था तब मेरे पास में ये क्या बना है, ग्राफ बना है। पर हमें पता है कि सिंगल एटम तो हमारे पास में क्या है, होता ही नहीं। तो क्या होगा जब एक सिलिकन क्रिस्टल में बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, अब इस ग्राफ में एक बार एक्स एक्सिस में जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाएंगे तो ये क्या है आपके पास में डिस्टेंस को कवर कर रही हैं, ये ए बी सी और डी। अब चलो ज़रा देखते हैं हम क्या होगा। लेट अस सपोज मेरे पास में दो सिलिकन के एटम हैं, तो मैं पहला एटम है मान लीजिए ये और दूसरा एटम है ये, मैं सिर्फ वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। हालांकि अंदर के शेल्स पे भी इफेक्ट होगा पर मैं फिलहाल वैलेंस शेल की बात करूँ, ठीक है ना, ये रहे। और ये जो दोनों एटम हैं, मैं यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ अपना, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए बी सी और डी। अब देखिए, ये दोनों एटम मान लीजिए हमारे पास में इनिशियली किसी डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ग्रेटर देन सी हैं, मान लो ये बहुत ज़्यादा दूर है एक दूसरे से, ये इतने दूर हैं कि ये आपस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। इनकी आपस में इंट्रैक्शन क्या है, इनके आपस में इंट्रैक्शन है ज़ीरो। यानी कि अगर इनके आपस में इंट्रैक्शन ज़ीरो है तो मैं इस एटम को एक सिंगल एटम मान सकता हूँ और इस एटम को भी क्या मान सकता हूँ, मेरे पास में क्या है, ये एटम भी एक सिंगल एटम है। चलो ज़रा फिर से इन दोनों सिंगल एटम्स के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें पता है इधर तो हमारी इंटर एटॉमिक सेपरेशन होगी और इधर क्या होगी हमारी एनर्जी। तो देखिए, यही 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। अब क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं बिल्कुल, तो इन दोनों के 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन और 3p2 में कितने इलेक्ट्रॉन हम इजीली देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को धीरे धीरे, सॉरी, इन एटम्स को धीरे धीरे पास लेकर के आना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही ये एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे, जैसे ही एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए मेरा पहला एटम है 4
और यहाँ पर अगर मैं बना देता हूँ तो ये मान लीजिए मेरा दूसरे एटम का ऑर्बिट, ये रहा 1 2 3 4। अब जैसे ये पास आएंगे तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन मेरा 3p2 में था, लेट अस सपोज अजम्पशन है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी मान लीजिए मेरा कहाँ है, 3p2 में। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये नेबरिंग एटम इन्फ्लुएंस करेगा, इसको ये इन्फ्लुएंस करेगा, साथ में इस शेल के अंदर जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या करेंगे, इनको इन्फ्लुएंस करेंगे। एज ए रिजल्ट इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का लेवल 3p2 से ज़्यादा भी हो सकता है और 3p2 से कम भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि इनका लेवल एनर्जी का क्या होने लग गया, चेंज होने लग गया। और जैसे जैसे हम इनको बहुत ज़्यादा नज़दीक लेते आएंगे, इस एनर्जी के लेवल में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों एटम्स को ये डिस्टेंस सी से कम करते आ रहे हैं। तो हमने देखा सी से कम करते आ रहे हैं, तो एनर्जी मान लीजिए एक की घट रही है, एक की बढ़ रही है। इस बी पॉइंट पर हमारे पास में क्या आया, एक ऐसा पॉइंट आया जब ये दोनों आपस में क्या हो गई हैं, मिक्स हो गई। इट मीन्स आपस में मिक्स होने का मतलब क्या है, अब मुझे पता नहीं लग रहा कि ये 3p में है कि ये 3s में है, इसकी एनर्जी बढ़ी कि घटी मुझे कोई आइडिया नहीं। इसी तरह से दूसरे वाला भी 3p में है कि 3s में है, इसकी एनर्जी बढ़ी या घटी मुझे इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को और फर्दर नज़दीक ले आऊँ, इन दोनों को और नज़दीक लेकर के आऊँ, तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये पहला है मेरे पास में 1 2 3 4, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास में क्या है, दूसरा है। मैं इनको ए से भी नीचे ले आया। अब जैसे ही मैं इनको ए से नीचे लेकर के आऊँगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और क्या बना देंगे, शेयरिंग करके ये अपनी ऑक्टेट को कम्प्लीटली फिल कर लेंगे। यानी कि आपकी यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो गई, कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई। जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा से एक नई एनर्जी मिलेगी और दोबारा से इनकी एनर्जी का क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये इनकी एनर्जी दोबारा से क्या कर दी हमने, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है ना। ए के बाद ऐसा होगा, ग्राफ को हल्का सा ठीक करना। ये जो सेक्शन है हमारे पास में, ये सेक्शन जो है, मैं ग्राफ को ठीक कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इसके अंदर हमारा घटती जाएंगी घटती जाएंगी, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आपस में मिक्स हो जाएंगे। और एक बार मैं ग्राफ दोबारा यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए क्या हुआ था। सी से जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे, हमारे पास में क्या हो रहा था, इन दोनों के एनर्जी लेवल आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो रहे थे। बी के ऊपर जाकर के इनके एनर्जी लेवल बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए। पर जैसे ही हम ए से नीचे चले गए, ए से नीचे जाते ही क्या हुआ, मेरी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हुई और मेरे नए लेवल क्रिएट हुए। अब इन नए लेवल्स के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इन नए लेवल्स में, तो इन नए लेवल के अंदर क्या है, देखिए नीचे मेरे पास में क्या बन जाएगा, मेरा वैलेंस बैंड, और ऊपर क्या बन जाएगा, मेरा कंडक्शन बैंड। तो एक बार फिर से देखिए, जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर थे तो ये एक सिंगल एटम की तरह एक्ट कर रहे थे। जैसे जैसे मैं इनको नज़दीक लेकर के आना शुरू करना स्टार्ट कर दिया, तो इनकी एनर्जी घटने लग गई, या इसकी एनर्जी क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें जा करके ये दोनों की हम एनर्जी को बता ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा किस शेल के अंदर प्रेजेंट है, पर उससे और ज़्यादा नज़दीक हम लेकर के आए तो दोबारा से बॉन्डिंग बन गई और हमें क्या मिल गया, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और ये जो जगह आपको बीच में दिख रही है, ये मेरा क्या हो जाएगा, एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये था आपके पास में ग्राफ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फर्दर अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू दिस तो आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, और ग्राफ के एग्जैक्ट शेप के लिए आप अपनी बुक को रेफर कीजिए प्लीज़, एग्जैक्ट शेप ग्राफ की क्या बनेगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।